यहोशु अध्याय छः। यहोशु अध्याय छः। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया था। फिर यहोवा ने यहोशु से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और छह दिन तक ऐसा ही किया करना। और सात याजक संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए हुए चले और फिर सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर सात बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। सो नून के पुत्र यहोशु ने याजक को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और सात याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए चले। और फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशु ने ये बातें लोगों से कह चुका तो वे सात याजक जो यहोवा के सामने साथ नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूकने वाले याजकों के आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूकते हुए चले। और यहोशु ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलते पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया तब वे छावनी में आए और रात वही काटी। बिहान को यहोशु सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन सात याजकों ने जुबिली के सात नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूकते चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने छह दिन तक किया। फिर सातवें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर सात बार घुमाए। केवल उसी दिन वे सात बार घूमे। तब सातवीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे तब यहोशु ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण ही वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़ जाएंगे क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के है वह यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष क्या स्त्री क्या जवान क्या बूढ़े वरन बैल भेड़ बकरी गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशु ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास को भी पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भीतर जाकर राहाब और उसके माता पिता भाई
भाइयों और सबको जो उसके यहां रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इसराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इसराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने के लिए भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इसराइलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो, और जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई।